咚咚。 वेलकम बैक टू लव प्रोग्राम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर मैं आपका होस्ट संजीव कुमार आपके साथ वापस फिर से जुड़ता हुआ वी आर गोडिंग बी मिसिंग माई को होस्ट स्मृति दिस दिस एपिसोड एंड शील बी बैक विद सून आपके साथ हम जो टॉपिक्स लेके आते रहते हैं आपके सजेशंस पे एंड अदरवाइज जो कि एक uh, हमारे पास ई आते रहते हैं आपके तो इस बार का टॉपिक जो है पेट इंडस्ट्री जो कि पेट इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती जा रही है पेट ओनरशिप बढ़ता जा रहा है एंड uh, इसके साथ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स नीड्स जो कि पेट्स के हमारे होती हैं वो uh, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि आ रहे हैं और जो केटर किए जा रहे हैं विच इज़ ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि आप uh, अगर ट्रैवल कर रहे हैं आपको ट्रैवल एलिमेंट्स चाहिए अगर आप यू नो ट्रैवल कर रहे हैं और आपने पेट को नहीं ले जा रहे हैं तो आपको बोर्डिंग लॉजिंग चाहिए इसी के साथ में पेट फूड स्नैक्स बेड्स एसेसरीज सो मेनी थिंग्स एंड ग्रूमिंग तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स uh, ये हम आ, आपके सामने आज लेके आए हैं कि पेट इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक आया है और वी विल बी डिस्कसिंग विद आर पैनल ऑफ गेस्ट टूडे वी हैव गॉट बिनॉय साहे विद अस बिनॉय इज एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टीलर एस्पेक्ट विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिनॉय हैज बीन डूइंग तो हम उस बारे में बात करेंगे एंड विद आई आर पी टी एफ एंड अदर थिंग्स वैथ यू डू एंड uh, हमारे साथ स्मिता भी है स्मिता इज अ पेट ग्रूमिंग एक्सपर्ट एंड हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर सम टाइम नाउ सो वेलकम बोथ ऑफ यू बिनॉय पेट इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन मल्टी स्केल उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका व्यू क्या है लेकिन बिफोर यू आंसर दैट Uh, हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को आप कॉल uh, करिए आपके सवाल पूछिए फोन नंबर इज जीरो डबल वन टू थ्री जीरो नाइन सेवन फाइव थ्री टू आप हमारे को फ़ोन करिए और आपके सवाल पूछिए uh, हमारे गेस्ट से एंड यू कैन आस्क एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट नो अबाउट पेट्स बिनॉय माई क्वेश्चन टू यू वॉज या सो इन इंडस्ट्री जो पेट इंडस्ट्री इंडिया में है तो उसका जो हमने एक बार जैसे पहले इवेंट शुरू किया और मैगजीन चला रहे हैं तो उस समय जब था तो वो बहुत ही नेशन बहुत स्मॉल स्केल में था जी तो इनिशियली जब हम कंपनीज़ के पास जाते भी थे कि हम इवेंट करते हैं मैगजीन करते तो वो बोलते थे कि इतना छोटी है इतना छोटा इंडस्ट्री है तो इसमें कौन एडवर्टाइज़ करेगा कौन आके पार्टिसिपेट करेगा कौन इवेंट को विजिट करेगा ये सब चीज़ें बहुत सारे एप्रियशन था लेकिन क्या कि वो एक अबाउट हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन करोड़ कई बस इंडस्ट्री था जब हमने शुरू किया था में इवेंट है ना और मैगजीन तो थोड़ी पहले से शुरू करे हमने अभी जो खींच के आया है अभी जो आया है तो अभी अबाउट 22 अबाउट ट्वेंटी टू अबाउट टू ये फाइव पीरियड में ग्रो हुआ है ये चम अबाउट अभी हमने दो सात से मतलब बारह साल तेरह साल के मतलब ड्यूरेशन में ये ग्रो हुआ नाउ ऑल्सो इट्स ट्वेंटी टू परसेंट प्लस ग्रोथ ईयर एंड हैपनिंग इन इंडिया अ वेरी हाई परसेंटेज मतलब काफ़ी अच्छा इंडियन इंडियन मार्केट जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है क्या रीज़न हो सकते हैं इसके मतलब वट वट इज वट इज वाई इज इट हैपनिंग इन कंट्री देखिए पेट इंडस्ट्री को ग्रो होने के लिए मुझे मेरे हिसाब से तीन चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो पेट ओपेरेंस जो कंज्यूमर्स हैं और सेकेंड है कि पेट प्रोडक्ट्स और थर्ड है पेट सर्विसेज ये तीनों का अच्छा तालमेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट हमेशा सप्लाई में चाहिए और पेट पेरेंट्स उनको कंज्यूम करें और उसका जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पेट्स एंड पेट पेरेंट्स वो राइज होना चाहिए उसके साथ साथ ही कि पेट पेरेंट्स इजीली पेट को मेंटेन कर पाए उसके लिए सर्विसेज भी आना चाहिए जैसे कोई ट्रैवल करता है तो उनका पेट वो अपने बोर्डिंग सेंटर में छोड़ के जा सकते हैं या तो वो खुद लेके जाना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे पेट फ्रेंडली होम स्पोर्ट पेट फ्रेंडली स्टेज होटल्स अवेलेबल हैं है ना उनके साथ वो रह सकते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि पेट ओनर्स जो पहले ये दे देहाद्रिहेंशन कि वो यदि पेट को अच्छी तरह से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते बिकॉज़ ये सर्विसेज पहले अवेलेबल नहीं थी अभी वो है तो वो एक पेट पेरेंटिंग का जो एक यू नो एक थ्रेश है ना वो एक

और uh, मेरे पास रोडवेलर है और ओल्ड जी उसके साथ मेरे को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं तो वो जब भी उसको घर पर छोड़कर जाते हैं चार पांच घंटे के लिए दो घंटे के लिए तो नीचे से बार्किंग वगैरह की जैसे आवाज आती है डॉल डौ, डॉक्स वगैरह की तो वो मार्किंग कर देता है यूरिनेट कर देता है जगह जगह घर के अंदर ठीक है निशानी के लिए उस समस्या को कैसे मैं सॉल्व करूं या उसका क्या उपाय है क्या मेथड जी बिल्कुल 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 आपका सवाल इज वेल इन प्लेस Uh, ियल है, क्या, क्या होते हैं टेरि, तो जैसे उन्होंने बताया महेश जी बता रहे कि नीचे वो स्ट्रेट डॉग्स का बाकिंग सुनता है एंड देन जब वो छोड़ के जाते हैं तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप उनको छोड़ के डॉग को पेट को छोड़ के जा रहे हो तो

तो पेट्स का ट्रेनिंग जरूर करवाएं बहुत एसेंशियल है जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं एक एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं उनके लिए इसीलिए अगर जो आप जानवर लेके आ रहे हैं खाली ये मत समझिए कि उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उनको आप ट्रेनिंग दिलवाइए तो ये इस ट्रेनिंग के साथ में कई सारे इश्यूज़ ये एड्रेस हो जाते हैं एंड अब क्योंकि वो छः साल का हो गया है आपको एक बिहेवियरिस्ट की हेल्प की जरूरत है सो रीच आउट टू सम बिहेवियरिस्ट एंड वो आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी चाहिए लेकिन अभी के लिए आप आदत बनाइए कि जब आपके पेट को आप छोड़ के जा रहे हैं तो खाली वैसा मत करिए दो घंटे के लिए उसको एक एक अलग कमरे में रखिए और बोलिए कि हम जा रहे हैं सो so, धीरे-धीरे उसका प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराइए राइट पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करिए उसके साथ so, वो दीर ही जी नीलू पांडे जी सर नीलू पांडे हाँ 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 हम सुन पा रहे हैं बोलिए प्लीज हाँ तो मेरे पास ना तीन डॉग है एक एक माँ है और दो उसका बच्चा बहुत आपस में लोग लड़ते हैं सर आ, क्या उम्र क्या है उन बच्चों की एक दोनों बच्चे का छह महीना है सर छह महीने का है देखिए बड़ा एक नॉर्मल सा एक टेंडेंसी है बिनॉय ये दे हैव अ पेट एंड उसके दो बच्चे हुए अभी छह महीने के हैं थोड़ा सा है ना और बच्चे हैं तो वो थोड़ा शरारित करेंगे ही तो मतलब ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वो एग्रेसिव ना हो अदर के साथ है ना क्योंकि वो जो बिहेवियरल चेंजेस है वो बचपन से ही आता है बिल्कुल जो बिहेवियरल में बाद में जाके इशूज होते हैं कि हमने वो करेक्ट बिहेवियर नहीं सिखाया तो

जी। तो जिस तरीके से हम अपने परिवार स, परिवार के सदस्य का ध्यान रखते हैं एंड हमें एक कंपेनियनशिप की जरूरत होती है तो वो उन्होंने एक पेट के रूप में देखी है एंड दैट्स द रीज़न एंड प्लस बिकॉज ऑफ दिस रैपिड अर्बनाइजेशन एंड जिस तरीके से एक डिस्पोजिबल इनकम का ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे एंड डिलेड पेरेंटहुड भी हम नोटिस कर रहे हैं इट इज़ कमिंग इन द इन टू द पिक्चर एज वेल तो ऑल दीज फैक्टर्स कम्बाइंड एंड प्लस जो हमारा जैन जी का जनरेशन है दे आर मच अवेयर कि और हमको अब जिसके साथ हम रहते हैं हमारी सोसाइटी एंड हमें व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी डन कि हमें अपनी एक सोसाइटी को एक हाइजीनिक और अच्छी तरीके से रखना है सो आई गेस वो एक अवेयरनेस इज़ हेल्पिंग आउट कि हाँ कि हमें ये भी सर्विस देनी है हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो टू मेक एनश्योर कि हमारे पीछे हमारे पेट को भी अच्छी तरीके से कोई टेक केयर करें एंड देन बिकॉज ऑफ़ दिस बिकॉज ऑफ़ दिस लैक ऑफ टाइम

डेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है डॉग्स में अगर हम देखें वो बहुत कॉमन डिजीज रहती है डेंटल डिजीज़े जो रहती है आफ्टर थ्री इयर्स ऑफ एज बहुत कॉमन हो जाती है डॉग्स में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डॉग का जितना भी डेंटल हाइजीन होता है उसको मेंटेन करके रखें नॉर्मल जो डॉग ब्राशेज आते हैं उनसे वो ब्रश कर सकते हैं सेकेंड होता है जो हम ट्रीट्स देते हैं डॉग को उनसे भी क्लीनिंग रहती है डॉग और कैट्स दोनों में ये चीज़ होती है ट्रीट्स एंड थर्ड इज़ द च्यूइंग टॉय चुविंग टॉय स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है डेंटल हाइजीन को मेन्टेन करने के लिए ओल्ड डॉग्स में यूजुअली हम ब्रश यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज उनके जो गम होते हैं काफ़ी वीक होते हैं ब्रश करते हैं तो ब्लीड होने के बहुत चांस रहते हैं उन केसेस में ये सजेस्ट कर लेते हैं हम कि अपना अपना जो पेट पेरेंट होता है वो अपनी फिंगर पे आ, जो डॉग स्पेसिफिक टूथपेस्ट आते हैं या प्रोडक्ट्स आते हैं डेंटल जेल्स आते हैं उनको लेके जो डॉग का गम होता है उनमें मसाज कर लें और जितने भी बच्चे हुए जो भी दांत होते हैं उन पर मसाज कर सकते हैं वो यूजुअली हम जो छोटे पपीज़ होते हैं उनमें रिकमेंड करते हैं छः महीने के बाद वो ब्रश शुरू कर सकते हैं जो स्मॉल साइज ब्रश आता है या वो उसको यूज़ कर सकते हैं पेट पेरेंट्स लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि घर के भी जितने भी पेस्ट हैं वो यूज़ नहीं करने हैं जो डॉग स्पेसिफ़िक पेस्ट आते हैं या जेल्स आते हैं वो यूज़ कर लेंगे वो पपीज़ में डॉग का ब्रश होता है उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं काफ़ी और वो दो साइज़ का होता है एक साइज़ जो होता है ब्रश का वो थोड़ा बड़ा होता है चौड़ा होता है जो दूसरा साइज़ होता है वो छोटा होता है जो बड़ा चौड़ा वाला साइज होता है वो सामने वाले दांत साफ करने के लिए होता है और जो छोटा वाला साइज़ होता है वो उसके पीछे वाले दांत साफ करने के लिए रहता है जो भी टीथ ब्रश होता है डॉग का वो हफ्ते में दो से तीन बार हम रिकमेंड करते हैं उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती डॉग को वेलकम बैक हाउ इंटरेस्टिंग अ पैकेज दैट was. क्या तीस साल पहले चालीस साल पहले हम ये सोचते कि कभी क्या जानवरों के दांत भी हम अपने पेट्स के दांत दांतों को भी ब्रश करेंगे एंड कौन से ब्रशेज यूज करेंगे वील कम बिनॉय टू यू ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बट बिफोर दैट वी हैव अ कॉलर अगेन विद आस आपका सवाल बताइए प्लीज सर मेरा एक पप्पी है छोटा सा अभी ये फाइव मंथ्स का है जी और सर जब वो एक मंथ का था ना तब वो गिर गया था सीढ़ी से और उसके बाद से ना वो बहुत डरता है अब अगर हम लोग उसके गर्दन में पट्टा लगाते हैं या सिक्कड़ भी लगाते हैं और इसको थोड़ा सा अगर हाथ से पकड़ ले तो बहुत चिल्लाता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई इसको बहुत ज्यादा मार रहा है या पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है जी जी, जी. आपका पेट का ब्रीड बताइए प्लीज सर पोमेरियन पोमेरियन है स्मिता व्हाट कुड बी द रीजन बिकॉज यू नो ये छः महीने के उम्र में इनको चोट लगी और आठ महीने के हो चुके हैं और जब पट्टा लगाते हैं सो क्या 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 कोई नर्व इफेक्ट हुआ है 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 रीज़न हो सकता है? आप, आपको क्या लगता है? ये एक रीज़न हो सकता है कि जब वो गिरा होगा पेट तो फिर उसका नर्व कहीं पे दब गया होगा एंड वो बोल नहीं सकता है बेजुबान है तो इसलिए हमें पता नहीं है ही टेल कि कहाँ पे दर्द हो रहा है वो एक रीजन हो सकता है दूसरा मे बी जब वो गिरा होगा तो उसका पैर कहीं पे स्ट्रांगल हुआ होगा किसी डोरी से तो उस वजह से उसका लीच के साथ एक

जैसे स्मिता ने बताया कि अगर लीश से थोड़ा सा डर लग रहा है तो धीरे धीरे लीश एंड कॉलर को वापस आप यूज टू करिए उसको फेमुलराइज करिए राइट ट्रीट एंड यू नो गो ऑन विद जैसा हम बात कर रहे थे कि डिस्पोजेबल इनकम वॉट पॉइंटेड आउट कि क्या वो एक रीजन है कि ये इस पर्टिकुलर फील्ड में ये ग्रोथ आ रहा है एंड जस्ट बिकॉज पेट ओनरशिप बढ़ रही है तो पेट ओनरशिप को केटर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं इट्स नेचुरल बिकॉज पेट ओनर्स हैज़ डिस्पोजल इनकम सो वो ज़्यादा पेट के ऊपर खर्च कर पाएंगे तो उसके चलते क्या है कि पेट का कंजम्पन कंज पर कैपिटा कन्जम्पन ऑन पेट बाई पेट पेरेंट्स हैज़ इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं तो है मतलब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों आपके सुविधा के लिए जो जब भी यूज़ करेंगे उसका कॉस्ट तो है ही ना, तो डिस्पोजेबल इनकम आई मीन डेफिनेटली फ्यूल्स द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री ऑफकोर्स राइट बट दैट लोन इज नॉट इज ऑल्सो द इकोसिस्टम अराउंड ओनिंग बिकम ईजियरफेक्ट परफेक्ट यू नो वेरी वेल पोर्ट मदर गां जैसा कि सर्कल है कि आप एक पपी लेके आते हैं चाहे अडॉप्ट करते हैं लेके आते हैं सो देन यू नीड अ डॉक्टर फिर आप बोर्डिंग लॉजिंग चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी मैंने यू नो हर्ड अबाउट अ पेट टैक्सी आज के डेट में पेट टैक्सीज हैं होटल्स हैं जो कि पेट फ्रेंडली होटल्स होते जा रहे हैं तो ये एक इंडस्ट्री को ऑल ओवर ग्रोथ दे रहा है एंड नाउ आई गेस द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्नाइजिंग दिस एज समथिंग आई आई पी टी एफ टू सेलिब्रेट द वेली एलिमेंट ऑफ ओनरशिप तो आपने बी टू बी प्लेटफॉर्म और बी टू सी प्लेटफॉर्म्स भी किए हैं फेजेज में जैसे दो हज़ार सात में हमने आई आई पी टी एफ शुरू किया क्रीजे तो कम्पैन उससे पहले चल रहा है वो मैगजीन का पर्पज ये कि पेटोन को हम एजुकेट करें कि हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल पेरेंट राइट और एक दूसरा आई आई पी टी एफ का पहले हमारा दो हजार अठारह तक बी टू बी और बी टू से कम्बाइन था लेकिन अभी उन्नीस दो हजार उन्नीस से हमें लगा कि बी टू बी जो है काफी बढ़ गया है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए तो so really, really uh, you know, दांतों को ब्रशिंग क्या रोज जरूरत है और किस तरीके के ब्रशे जैसे हाईलाइट किया गया क्या ये इजिली अवेलेबल है आज के डेट में मार्केट स्पेस में और कुछ और कंपनीज भी आ रही हैं इसमें हाँ जैसे जैसे आपने बोला था कि हमने कभी पहले दस पंद्रह साल पहले नहीं सोचा था बट देन अगेन अब पर हम अब नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे कि तार, टाटा कलेक्ट होता रहता है या पीलापन आता रहता है दांतों में और दांतों डिके होता रहता है विच इज़ जो हम नहीं समझते पर जब हमारे दांतों में दर्द होता है इट्स वेरी पेनफुल <laughs> तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक किसी जानवर के दांत साथ वो चीज़ हो रही है डिके हो रहा है टूथ एलिमेंट एंड ही कान स्पीक तो उसको खाते वक्त डॉग है बाग करेगा उसको च्यू करेगा कुछ खाएगा उसको दर्द होगा तो जस्ट टू प्रिवेंट दिस प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर तो अगर हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं देन वाई नॉट एंड ऑबियसली दीज प्रोडक्ट्स आर इजली अवेलेबल जैसे अभी हमने उस पैकेज में देखा था कि अगर फिंगर ब्रश आते क्योंकि डॉग्स के हम गम्स देखते हैं मी एज अ ग्रूमर एक्सपर्ट मैं ये नोटिस करती हूँ कि हाँ उनके गम्स होते हैं वेन यू ट्राई टू ब्रश दे टूथ ब्रश हम कहते हैं बच्चों के टूथ ब्रश से कर लेंगे चलो नहीं बट इवन दैट इज वेरी हार्श टू गम्स हमारे ब्रशेज नहीं है उनके लिए स्पेशली ब्रशेज आते हैं लेकिन इन सब चीजों के साथ में हमारे को हमेशा हमारे दर्शक बोलते रहते हैं कि आपका मिथ पस्टर जो सेगमेंट है वो बहुत ही वो लव्ड है एंड वी गेट अ लॉट ऑफ गुड कमेंट्स ऑन दैट सो आइए आज देखते हैं मिथ पस्टर में मीट एसेंशियल है नहीं है क्या उसके अराउंड एंड रॉ मीट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है किस एंगल से आइए इस बस्टर में raw meat is the best diet for dogs. ये एक मिथ है। raw meat diets can cause illnesses. Raw meat में साल्मोनेला और इकोली e. जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो पेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में इंफेक्शन डेवलप कर सकते हैं डॉग्स को बोन्स फीड करने से दांत टूटने या फूड पाइप में चोकिंग का खतरा होता है इसलिए पेट्स को हमेशा कुक मीट या प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट ही फीड करें सो so, हमेशा की तरह एक मिथ एक एलिमेंट एक फैक्ट एंड इसी तरह से हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रिपेयर करते रहेंगे और लाते रहेंगे बिफोर वी मूव अहेड वी हैव अ कॉलर अगेन ज्वाइनिंग अस जी शिखर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे लोकल एरिया में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं

अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए बिकम सो बहुत चूजी हो जाते हैं तो तो वो उस चीज़ को लेके। बट देन अगेन जैसे आपने बोला कि आप रोटी देते हैं ऑफर करते हैं उनको एंड वो फिर भी नहीं खाते तो मे बी द रीज़न कि स्ट्रेट डॉग्स में भी जैसे वही टेरिटरी का होता है कहीं पर यूरिनेट करते हैं उनको कहीं किसी और डॉग का मेल का स्मेल आ जाता है तो फिर वो सिक आप टाइमिंग जरा चेंज करिए hmm. uh, क्या पता है जिस समय आप जा रहे हैं रोटी लेके उनका अगर पेट भरा हुआ है तो शायद वो उस समय नहीं खाएंगे सो ट्राई एंड सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे वेयर वो खाना चाह रहे हो और थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस करिए जब वो थोड़ा थोड़ा पिकअप करना शुरू कर देन यू कैन इंक्रीज द एंड इसके साथ में अगर किसी चीज की कोई ग्रेवी आप बीच में या कुछ पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में जो कि वेट फूड होते हैं जरा जरा सा ग्रेवी आप टच करा दीजिए mm. वो खाना शुरू कर देंगे राइट दैट विल बी गुड वी वी आर नियरिंग द द एंड ऑफ शो सो हैव टू यू नो दो तीन चीजें जो कि बहुत जरूरी है जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन एस्पेक्ट एंड ट्रेनिंग एज अ पेट ओनर ह्यूमन बींगेन एंड द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अराउंड इट आपका क्या व्यू है उसमें नहीं नहीं बेट आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हम कोर्स पेट्स को हम अपना फैमिली मानते हैं तो हम उसको बेड में रखते हैं अब सोफा में अलाउ करते हैं अब लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत ओबीडियंस ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है सो so दैट आपके पास देखिए घर है तो आपके कोई मेहमान आएंगे दोस्त आएंगे जो पेट ना, पेट आ, एफिनिटी नहीं होंगे उनको उनको शायद पेट पसंद नहीं हो है ना किसी को तो एलर्जी भी होता है तो इस तरह का उनको ये डिफिकल्टी ना हो कि वो आपके बात माने तो ये थोड़ा सा बेसिक आई थिंक ओबीडियंस इंपॉर्टेंट है पेट पेरेंटिंग में सो so दैट आपको एक लाइफ ईजिली अच्छा जीना की मिले बहुत सही तरीके से आपने पॉइंट आउट किया एंड मैं इस बारे में कुछ और दो लाइनें ऐड करना चाहूँगा लेकिन उसके पहले जैसा कि आप हमेशा हमारे को फोटोग्राफ्स वीडियो भेजते रहते हैं Uh, and such an important segment that we have is the pet of the week and IE mm theK -hmm. is part the pet of the week mekon. देखा आपने कितना खूबसूरत ये पेट ओली हमारे साथ इस बार जुड़े आप अपने पेट्स की फोटोग्राफ्स हमारे पास भेजते रहिए एंड विल वांट टू मेक देम अ स्टार एंड यू नो आपके पेट्स को हम यहाँ दिखाते हैं एंड इसी से और प्यार भी बढ़ता है सो uh, so हम जैसा हम की बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एलिमेंट uh, कि हम ऑल एस्पेक्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड खुद भी एक एजुकेशन पाएँ एक पेट को लेने के पहले एंड करेंटली uh, मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगा बिनॉय एंड स्मिता कि जो बैलेंस uh, रहना चाहिए जो कि आप बिनोय ने बोला सो so, आज की डेट में यू नो आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस विच आर कमिंग अप टू द लाइट कि कहाँ कहीं स्ट्रीट डॉग्स ने अगर काट दिया या कुछ हुआ okay. या आप अपने पेट्स को भी अगर आप uh, रख रहे हैं तो आप अपने पेट्स को ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाइए जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि uh, हम

पेट पेरेंट्स के साथ भी अमंग द पेट पेरेंट्स वो एक अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है कि जैसे हम अपने बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं उसकी क्या ज़रूरत है क्या नीड है एंड उसके टेम्परामेंट uh, के हिसाब से कि उसका कैसा नेचर है तो वैसी उसी तरह हम वो एक एफर्ट अपने पेट को समझने में भी लगाएंगे कि उसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ वो किस पास से आ रखा है तो वो एक काफ़ी हेल्प करेगा हमें एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने में पेरेंट्स और बिल्कुल, uh, पेट के बीच में सो इट्स नॉट ओनली द पेट्स हो नीड्स ट्रेनिंग एक ह्यूमन और एनिमल दोनों को को एक्जिस्ट करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की तरफ समझने की ज़रूरत है दे गिव अस द अनकंडिशनल लव एंड द वाइब सो आई थिंक द बेस्ट दैट वी कैन डू इज री शॉर्टली बिकॉज यू नो वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम एंड इन फैक्ट एक्चुअली आई यू नो वी आर आउट ऑफ टाइम सो वील थैंक एंड स्मिता थैंक यू सो मच एंड अगली बार आपके साथ जुड़ेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में एंड आप हमारे को देखते रहिए यहाँ पर एक्सॉटिक बर्ड के बारे में हम बात करेंगे एंड दैट्स द टॉपिक दैट विल बी ड्रिंगिंग टू यू टिल्ड रिस्पेक्ट एनिमल्स and pets, best friend forever.